हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। अपन चैप्टर 6 चल रहा था, ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट में अपन ने पढ़ लिया था स्थाई और अस्थाई अतिवास। वापस अगेन रिपीट, स्थाई वो जहाँ जाकर के मानव एक ही जगह अपने लंबे समय तक अपना कार्य करता है, चाहे पशुपालन हो चाहे कृषि हो। और अस्थाई के अंदर जहाँ मानव अस्थायी रूप से, यानी मौसम के अकॉर्डिंग, विंटर आ गई तो पहाड़ों से नीचे आ गए, समर आ गई तो वापस पहाड़ों पर चले गए। फिर उसमें अधिवासों की विशेषताएं बताई थी, स्थाई अधिवासों में और मानव अधिवासों की क्या विशेषता थी, किस आधार पर अपन निर्भर करता है, स्थाई संचित संसाधन, बाह्य विश्व से संबंध, भावी उन्नति की संभावना। भाई हम कहीं पे भी जाके रहेंगे, स्थाई अधिवास बनाएंगे, नंबर एक सुरक्षा होगी, वहाँ बनाएंगे जहाँ पर यातायात की सुविधा होगी और सुरक्षित स्थान होगा, उन्नति की संभावना होगी और विश्व से, अपने बाह्य विश्व से अच्छे संबंध होंगे, स्थानीय संसाधन हमारे पास उचित हो और धार्मिक और सांस्कृतिक कारक भी होगा। और जहाँ उद्देश्य, एक ही शब्द में कि जहाँ उद्देश्य की पूर्ति होती हो। अब मानव अधिवासों का वर्गीकरण किया, नंबर दो बता चुकी थी, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण का अर्थ होता है जहाँ प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे कृषि पशुपालन वगैरह, और नगरीय अधिवास नगरों के अंदर जब सेकेंडरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्यूपेशंस ज़्यादा होते हैं। अब आता है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, तो चार प्रकार थे, गुच्छित, प्रकीर्ण या एकांकी, मिश्रित और पल्ली अधिवास। नंबर एक सघन या गुच्छित अधिवास। इस तरीके के अधिवासों को गुच्छित इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ नाम से जैसे पता चल रहा है कि सघन, जैसे अंगूर का गुच्छा कैसा होता है, बहुत पास में जुड़े जुड़े, तो ऐसे अधिवास जहाँ पर घर मकान बहुत समतल मैदानों में और ये बहुत पास पास में होते हैं, जिसमें सड़कों की चौड़ाई भी कम होती है, समझ आ गई, जैसे शहर के अंदर वाला भीतरी एरिया। तो इस तरीके के अधिवास कहाँ होते हैं, जहाँ पर जैसे गंगा नदी का या नर्मदा तापी नदी वाला मुहाली एरिया, क्योंकि वह उपजाऊ क्षेत्र होता है, पीने वाला पानी हमें उपलब्ध हो जाता है और जलवायु जहाँ अच्छी होती है ना, मानव के अनुकूल हो, ऐसे एरिया में सघन अधिवास होते हैं। सघन अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊँचे या बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। ये अधिवास सभी आवास आसपास बने होते हैं और एक स्थान पर ही उनका संकेंद्रण होता है और ये मिलजुल करके अपने आक्रमणों का मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता होने पर एक दूसरे के साथ सुख दुख में सहभागी भी होते हैं और इनमें आवासों की संख्या 40 से 50 से लेकर के सैकड़ों तक हो सकती है। इसमें जनसंख्या, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से लेकर के 1000 से भी अधिक हो सकते हैं। सघन अधिवासों का वितरण कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, कई बार पूछा गया ये, तो इसमें गंगा सतलज का मैदानी इलाका, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत का पठार है ना, इसके अलावा नर्मदा घाटी, राजस्थान के मैदानी भागों में सघन या गुच्छित अधिवास पाए जाते हैं। सेकेंड आता है एकांकी अधिवास। ऐसे अधिवास छित्रे और बिखरे हुए होते हैं, इस आवास को एक दूसरे से कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं, दूर दूर होते हैं, जैसे एक खेत में दो चार मकान, कोई पहाड़ी पर, टेकरी पर, ऐसे ये आवास एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। व्यक्ति एकांकी रूप से रहता है, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करता है, एक दूसरे के सहयोग की भावना भी इनमें कम होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना भी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। वितरण यानी ऐसे एरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो अब देखो विश्व का है तो ये सब इसमें पूरा विश्व का भी बता सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश ऐसे हैं, एशिया के स्टेपीज मैदान, गंगा के खादर क्षेत्र, देखो एक तो बांगर और एक खादर है ना, खादर क्षेत्र इसमें आते हैं, और अर्जेंटीना का पंपाज वाला एरिया, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स आदि, दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, ये भी पहाड़ी एरिया, जंगली एरिया है, यहाँ पे भी जनजातियाँ इस तरीके से टुकड़ों में रहती है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों, मरुस्थली प्रदेश में प्रकीर्ण अधिवास इस तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मिश्रित अधिवास। अब नाम से ही पता चल रहा है
है ना, इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रित अधिवास भी कहा जाता है। ये सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है। सामान्यतया किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से ये अधिवास बनते हैं। जैसे एक ही परिवार की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी सब इकट्ठा होकर रह रहे हैं तो इसे मिश्रित अधिवास कहते हैं। और ये जनसंख्या, खुद के परिवार की जनसंख्या वृद्धि होने पर इस तरीके के अधिवास होते हैं। और पारिवारिक कारणों से, पर्यावरण कारणों से उत्तरदायी ये परिवार बनते हैं। ये कोटा के अंदर सागोद है ना, कोटा के अंदर है सागोद तहसील में खुर्द गांव, इसी तरह के मिश्रित अधिवास पाए जाते हैं। पल्ली और पुराना अधिवास, इस प्रकार के अधिवासों में आवाज एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उन सब का नाम एक रहता है। और बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। और ये किस तरीके, ये कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की निचली घाटियों और खनन वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। फिर आता है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप आकार के आधार पर। अधिवासों के प्रवास में आकृति के आधार पर, आकार और आकृति के आधार पर अधिवास कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों को प्राकृतिक कारक है ना, जैसे नदी, जलाशय, सड़क, रेल, इनके किनारे जब बस जाते हैं तो ये या धार्मिक कारक या सांस्कृतिक है ना, इस तरीके के जो कारक होते हैं ये आकृति बना लेते हैं। तब भिन्न भिन्न शेप हो जाते हैं उसमें। नंबर एक, रेखीय प्रतिरूप। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग या नदियाँ, ये कैसी होती है, एकदम सीधी होती है, तो उसके किनारे किनारे लोग अपने तट पर या सागर तट के सारे बस्ती के विकास हो जाता है, तो उसे रेखीय प्रतिरूप वाला अधिवास कहा जाता है। इस प्रतिरूप में आवास के आसपास में पंक्तिबद्ध होते हैं, जैसे गंगा, यमुना के मैदान, मध्य हिमालय के क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जयपुर जिला का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। उन्हें पंक्तिनुमा और मार्गोन्मुख वो अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। फिर आता है तीर प्रतिरूप। देखो जैसे आकृति बताई जा रही है, तीर कैसा होता है, आगे से तिकोना ट्रायंगल, फिर नीचे से सीधा, यानी कोई दो मार्ग आपस में कट रहे होते हैं और तीसरा कोई नदी मार्ग आकर के सीधी रेखा में चला जाता है, तो तीर प्रतिरूप का निर्माण करता है। किसी अंतरिप के शीर्ष पर नदी के विसर्प बनने से या दो नदी आपस में मिलने से या दो सड़क आपस में कटने से इस तरह के अधिवासों का निर्माण होता है। ऐसे स्थान पर अग्रभाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है, जिससे अधिवास का विकास पृष्ठ भाग की तरह होता है। जैसे दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील इस तरीके का उदाहरण है। त्रिभुजाकार, जिस जहाँ पर नदियाँ, नहरें, सड़कें आपस में संगम होता है, इस तरीके के अधिवास बन जाते हैं त्रिभुज के आकार में। और ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों, सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि का ही अधिवास विकसित होता है। भारत के हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। फिर आता है आयताकार या चौक पट्टी वाले प्रतिरूप। जब दो सड़कें आपस में मिलती है और उनके मिलन स्थान स्थल को दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अरीय प्रतिरूप, यानी किसी गांव में एक स्थान या दिशा कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें आपस में आकर के मिलती है तो वहाँ त्रिज्याकार मार्गों का, मकानों का निर्माण हो जाता है, परंतु सभी गलियाँ मुख्य चौराहे से आकर के समानांतर नहीं मिलती है। ये गली इस चौराहे से निकली, वापस आकर के समानांतर हो गया एक चौराहे से, तो इस तरीके के से अधियाकार कहा जाता है। फिर आता है वृत्ताकार। प्राय किसी झील, तालाब, कुएं या किसी धर्म के चारों ओर लोग नगर बस जाते हैं तो उसे वृत्ताकार कहा जाता है, इसलिए उन्हें वृत्ताकार प्रतिरूप भी कहते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था होती है। तारा प्रतिरूप, तारा के आकार का, स्टार के आकार का प्रतिरूप बन जाता है। कोई कोई सड़कें किसी केंद्र में आकर के वहाँ चौराहे बन जाता है तो उस चौराहे पे बहुत सारे सड़कें आकर के मिलने लग जाती है, तो धीरे धीरे वो तारे की आकृति बन जाती है। तारा प्रतिरूप का और ये प्रतिरूप के जैसे ही विकसित होता है, किंतु बाद में ये बाहर की ओर जाने वाले सड़कों के किनारे मकान बनते हैं और उनकी आकृति एक स्टार जैसे हो जाती है, इसलिए इसे तारा प्रतिरूप
कहा जाता है, पंखा प्रतिरूप। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं तो इसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप के रूप में या पंखानुमा प्रतिरूप में विकसित होता है। अनियमित प्रतिरूप जहाँ मानव अपनी सुविधा देखी वहाँ जाकर के बस गए, कोई आकार न कोई आकृति, तो ये अनियमित प्रतिरूप टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार है ना, सड़कें कच्ची पक्के जहाँ जगह देखी वहाँ रह लिए, तो ये इस तरीके का अनियंत्रित प्रतिरूप होता है। फिर आता है सीढ़ी नुमा पहाड़ी एरियों में इस तरीके के प्रवास बनते हैं और पर्वतीय डालों पर ऐसे मकान या परस्पर सटे हुए परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। इन मकानों की पंक्तियां ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती है। हिमालय रॉकीज एंटीज आल्पस पर्वतों में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप में बस्ती है। फिर आता है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। भारत में आदिवासी जनजाति गुबंदुमा झोपड़ी के गांव, टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश समुद्र तटीय मछुआरों में इस तरीके से प्रतिरूप देखने को मिलता है। ठीक है, आदिवासी जनजाति के ये लोग बहुत इकट्ठे हो के रहते हैं क्योंकि या तो ये समुद्र के किनारे रहते हैं या फिर पहाड़ी भागों में रहते हैं, इसलिए इन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देते हैं। अन्य प्रतिरूपों में नगरीय अर्धवृत्ताकार टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप मकड़ी के जैसा प्रतिरूप भी कहते हैं। अब ग्रामीण आदिवासियों की क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं। नंबर एक, आवागमन के साधनों का अभाव होता है, स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है, गाँव में बिजली नहीं रहती है, स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होते हैं, पीने योग्य पानी का अभाव होता है, आवागमन का अभाव होता है, रोजगार के अवसर वहाँ नहीं होते हैं, छिपी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा गांवों में देखने को मिलती है। इसके अलावा तकनीकी सुविधाओं का अभाव होता है, उच्च तकनीकी हाई एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, अब आता है नगरीय अधिवास। तो नगरीय अधिवास जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा हो नगरीय अधिवास कहलाते हैं, जहाँ परिवहन की सुविधा अच्छी हो नगरीय अधिवास होता है, व्यापार के बड़े बड़े केंद्र हो, उद्योग हो, चिकित्सा की सुविधा हो, प्रशासन की सुविधा हो, न्याय और अन्य सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में नगरीय अर्थव्यवस्था द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम व्यवसायों पर जो निर्भर होती है वो द्वितीय नगरीय अधिवास कहलाते हैं। अच्छी हाई एजुकेशन, उच्च जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होती है, गतिशीलता होती है, पक्की सड़कें पक्के मकान, रोजगार की उपलब्धता, यातायात व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन, उच्च शिक्षा गहन चिकित्सा सुविधाएं, 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में लगा होना, जटिल श्रम विभाजन, सामाजिक प्रगाढ़ता और तीव्र सामाजिक व आर्थिक अंतर नगरों में देखने को मिलता है। थैंक यू। कल पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण।